इस बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन। वैसे तो उनके खुद के और भी काफ़ी सारे घर हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा है, तो आज की वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शमीम ब्लॉग वीडियोज में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऋतिक रोशन सर का एक नया घर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक नया घर खरीदा है 100 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको उनका घर, उनकी बायोग्राफी, उनके घर का प्रॉपर एड्रेस सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम मैं खड़ा हूँ मुंबई अंधेरी वर्सोवा लिंक रोड पर। जैसा कि आप आसपास का पूरा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये जो आप चौराहा देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आप नाम भी पढ़ सकते हो। इस रोड का जो नाम है वहाँ पर लिखा हुआ है बाला साहेब सावंत रोड। और ये जो आप चौराहा देख रहे हो ना दोस्तों, इस चौराहे का नाम जो है, आगे साइड में मैं आपको पीछे जाकर दिखा देता हूँ, ताकि आप पढ़ के और कभी यहाँ पर आना चाहो तो बहुत ही आसानी से आ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो वृंदावन वेणु चौक। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हो, इसी के जस्ट ये जो आप चौराहा देख रहे हो, चौराहे के पास ये जो आप ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन सर रहते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको पास से जाकर इनका पूरी बिल्डिंग का टूर कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों मेन गेट से अभी थोड़ी सी आगे है, जो कि मैं भी आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग जो है वो व्हाइट कलर की है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। और ये ऊपर का जो आप फ्लोर देख रहे हो सबसे ऊपर का, ये लगभग 15 माले की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये जो आप दो फ्लोर जो अटैच देख रहे हो ना आप, तो ये इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जो है बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन सर रहते हैं। इसी बिल्डिंग में जो है उन्होंने 14 और 15 फ्लोर खरीदा है दोस्तों, और ऊपर का टेरेस भी उन्होंने खरीदा हुआ है, जहाँ पर आप वो बहुत सारे गमले वगैरह रखे हुए देख रहे हो, काफ़ी पेड़ पौधे वहाँ पर प्लांट्स लगे हुए, वो जो है टेरेस भी उन्होंने खरीदा हुआ है। और आप इधर की साइड भी देख सकते हो, वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इन्होंने 14 और 15 फ्लोर जो है दोस्तों 30-30 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, और ऊपर का जो टेरेस भी उन्होंने अटैच करवाया था उसमें, तो ये उनको 40 करोड़ रुपए का पड़ा। तो टोटल 100 करोड़ रुपए में इन्होंने ये घर खरीदा है। थोड़ी सी आगे चलते हैं और आपको थोड़ी सी आगे चल करके इनका घर का पूरा व्यू दिखाते हैं, इनके घर का जो नाम है वो भी आपको दिखाएंगे, और बायोग्राफी के बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये इनकी बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट है, और गेट के ऊपर काफ़ी सारी फुलवाड़ी और प्लांट्स लगाए गए, ग्रीन कलर की बेल वगैरह ऊपर से लटकी हुई है, जिससे पूरा गेट जो है ग्रीनरी से भरा हुआ है। इनकी बिल्डिंग के जो है दोस्तों, ये गेट आप देख रहे हो, ये मेन एंट्री गेट है। अंदर की साइड आप देख सकते हो काफ़ी लग्जरियस कार खड़ी है, क्योंकि दोस्तों नीचे का जो पूरा ग्राउंड है वो कार की पार्किंग के लिए है। और एक गेट जो है थोड़ी सी आगे से, वो भी मैं अभी आपको आगे चल कर दिखा देता हूँ, वो एक छोटा सा गेट है, कभी आपको विदाउट कार के निकलना हो तो आप विदाउट कार से निकल सकते हो। तो अभी चल थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ मैं चलकर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक दिन की बिल्डिंग का सेकंड एंट्री गेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इनकी बिल्डिंग का सेकंड एंट्री गेट है दोस्तों। तो दोस्तों पूरा व्यू आप देख सकते हो। थोड़ी सी आगे चल करके मैं आपको अभी इनकी बिल्डिंग का जो है बैक साइड का व्यू भी दिखाऊँगा। तो चलो अभी मैं आपको इनकी बिल्डिंग का बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनके बताऊँगा बायोग्राफी के बारे में और यहाँ के एड्रेस के बारे में। मैंने जो आपको चौराहा दिखाया था, उस चौराहे से थोड़ी सी और आगे आ चुका हूँ, ताकि मैं आपको इस बिल्डिंग का इस उधर की साइड का व्यू दिखाया, फ्रंट का व्यू दिखाया, अब मैं इस साइड का थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ, इसलिए मैं इधर से आया हूँ। तो आप देख सकते हो इधर की का व्यू भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको चारों तरफ से इनकी बिल्डिंग का पूरा व्यू दिखाया है, और कौन से फ्लोर पर रहते हैं वो भी बताया, एड्रेस भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो दोस्तों चलो अब हम बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कहे जाने वाले ऋतिक रोशन के बारे में। दोस्तों इनका निक नेम है डुग्गू और इनका पूरा नाम है ऋतिक रोशन। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 10 जनवरी 1974 मुंबई में हुआ। बात करें इनकी फैमिली की, तो इनके पापा का नाम है राकेश रोशन और इनकी मम्मी का नाम है पिंकी रोशन, और इनकी एक बहन है और इनकी बहन का नाम है सुनैना रोशन, और इनकी वाइफ का नाम है सुजैन खान, जो कि मशहूर एक्टर फिरोज खान की बेटी है, और इनके दो बेटे हैं रिहदान रोशन और रेहान रोशन,
बात करें इनकी पढ़ाई की तो इन्होंने अपनी पढ़ाई करी बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से, और उसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई करी मुंबई कॉलेज इन कॉमर्स, बैचलर्स की पढ़ाई कॉमर्स डिपार्टमेंट में। ऋतिक रोशन को बचपन में बात करने की प्रॉब्लम थी जिससे वो हकला हकला कर बात करते थे, और कई लोग इसी वजह से इनकी मजाक उड़ाया करते थे जिसकी वजह से ये काफ़ी लोगों से बात नहीं करते थे। बचपन में ही ऋतिक रोशन ने सोच लिया था कि ये बड़े होकर एक्टर बनेंगे, और इन्होंने ये बात अपने एक दोस्त से बताई तो उस दोस्त ने ऋतिक रोशन से ये कहा कि अबे हकले, तू तो ठीक से बात नहीं कर पाता तो फिर एक्टर क्या बनेगा। फिर उसके बाद ऋतिक रोशन ने ठान लिया कि अब मैं एक्टर बन के रहूँगा, और फिर अपने इसी हकलेपन को दूर करने के लिए ऋतिक रोशन ने बहुत मेहनत करी, और ये देखते ही देखते ठीक होने लगे। प्रोफेशन से ये सीए एक्टर, एंचो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल और होस्ट है। बात करें इनके करियर की तो इनकी पहली मूवी रही कहो ना प्यार है, और जैसे ही मूवी रिलीज हुई इस मूवी ने तबाही मचा दी और रातों रात सुपरहिट हो गई और ऋतिक रोशन को बना दिया सुपरस्टार। आप अपनी पहली ही मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला द बेस्ट एक्टर और फर्स्ट मेल डेब्यू के लिए। इसके बाद 2000 में इनकी दूसरी फिल्म आई फिजा, जिसमें इनके साथ थी करिश्मा कपूर और जया बच्चन, लेकिन ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन ऋतिक रोशन की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसी के साथ साथ हिंदी में दूसरा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए। सन 2001 में इनकी ऐसी फिल्म आई जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम, और इस फिल्म ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए और इसी मूवी में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और इनकी कामयाबी का सफ़र हुआ सन 2003 में जब फिल्म आई थी कोई मिल गया, और इस मूवी में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था जो कि प्रोड्यूस करी थी इनके ही पापा राकेश रोशन ने। सन 2003 के बाद ऋतिक रोशन की सुपरहिट मूवीज़ के नाम है लक्ष्य, धूम 2, जोधा अकबर, और सन 2011 के बाद ऋतिक रोशन ने जितनी भी मूवीज़ करी है सारी सुपरहिट रही, जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जिसने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। उसके बाद आती है सन 2012 में अग्निपथ जिसने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, और इसके बाद सन 2019 में और सन 2020 में मिंट की दो मूवी रिलीज हुई सुपर 30 और वार, जिस मूवी ने ऋतिक रोशन को सुपरस्टार बना दिया। ऋतिक रोशन को बहुत से आईफा जी साइन अवार्ड मिल चुके हैं। बात करें इनके इनकम की तो ये एक मूवी करने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इनका टोटल नेटवर्थ है 2680 करोड़ रुपए। इनके पास काफ़ी अच्छा कार कलेक्शन है जैसे कि मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयल, काफ़ी अच्छा कार कलेक्शन है। और ये जो आज की वीडियो में मैंने आपको इनका जो बिल्डिंग दिखाई है, इस बिल्डिंग के ऊपर के जो दो माला है वो और टेरिस भी इन्होंने नया खरीदा है। इसके अलावा इनका एक जो घर है वो मुंबई जुहू एरिया में है, दूसरा बंगला जो इनके पापा का है वो भी जुहू में है, और कुछ टाइम के लिए जुहू अक्षय कुमार के घर में भी शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया ऋतिक रोशन सर का नया वाला घर, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे, जो आप ऊंची सी व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग को मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लोर किया है। उनको कौन से फ्लोर पर रहते हैं, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बता दिया हूँ। एड्रेस भी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। ये जो आप चौक रोड देख रहे हो, इस रोड, ये मुंबई अंधेरी वर्सोवा लिंक रोड पर ये जो चौराहा है, चौराहे का नाम है वृंदावन वेन्यू चौक, और इसी चौक से थोड़ी सी आगे चलकर आपको ये बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऋतिक रोशन सर का जो है मुंबई जुहू चौपाटी के पास भी दो बंगले हैं, एक इनके फादर का, एक इनका खुद का है, और एक कुछ टाइम पहले वो अक्षय कुमार सर के घर में रेंट पर भी रहा करते थे क्योंकि उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको ऋतिक रोशन सर का नया वाला घर दिखाया, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बता दिया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके टाटा, बाय बाय।